चीफ एग्जेक्टिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। बदअनुमान अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों का जायजा लिया गया। करप्शन की रोकथाम के हवाले से इकदाम को मजीद सख्त करने का हुक्म दिया गया है। इजलास का अहवाल जानेंगे फहद अमीन से। फहद बताएं। बिल्कुल, और इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी से बदनवानी के खात्मे के लिए सख्त इकदाम का फैसला जो है वो कर लिया गया है, और इस हवाले से चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर की जेर सदारत आला सतह का इजलास जो है वो लेस्को हेडक्वार्टर में मुनक्कद किया गया। बदनवान अफसरान और मुलाजमी के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई का जायजा लिया गया, और बिजली चोरी में मुलवज जितने भी मुलाजमीन थे और अफसरान थे उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई उस हवाले से जो है वो लेस्को चीफ को ब्रीफिंग दी गई। लेस्को चीफ इंजीनियर शाहिद हैदर का कहना था कि करप्शन के खात्मे के लिए किए जाने वाले इकदाम से करप्शन में खातरखा कमी आई है। करप्शन की रोकथाम के हवाले से इकदाम को मजीद सख्त कर दिया जाएगा। तमाम अफसरान अपने अमले की निगरानी करें और करप्शन का शुबा होने की सूरत में फौरी हरकत में आए। इजलास में इंजीनियर शाहिद हैदर के अलावा डायरेक्टर एचआर जमीर हुसैन कुलाची, डायरेक्टर कस्टमर सर्विस सरवर मुगल, चीफ फाइनेंस ऑफिसर बुशरा इमरान समेत दीगर तमाम शोबा जहाज के सरबराहान भी जो है वो मौजूद थे। जी ठीक है फहद, बहुत शुक्रिया।